वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग रिलेटेड होने वाला है कबर्ड रीऑर्गेनाइजेशन। तो यस, तो आज मैं करूँगी मेरा कबर्ड का रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो बहुत ही क्लस्टर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर हो गया है। और वैसे भी मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ, तो वैसे भी मुझे बैग भरनी ही थी। तो आई थॉट ऑफ डूइंग दिस व्लॉग एंड शेयरिंग विथ यू। सो यस, स्टे ट्यून्ड टिल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सो सबसे पहले मैं आपको मेरा कबर्ड दिखाती हूँ कि वो कितना ज़्यादा क्लस्टर हो चुका है। और मेरे कॉलेज की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता वो ठीक ठाक करने के लिए, तो मैं कुछ भी पहन के ऐसे फेंक के चली जाती हूँ। तो यस, तो आज मैं करूँगी कबर्ड रीऑर्गेनाइजेशन। सो यस, देखते हैं कि कैसा जाता है कैसा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना कबर्ड दिखाती हूँ गाइस, वेट अ मिनट। सो गाइज, ये मेरा कबर्ड है और आप देख सकते हो कि कितना, मतलब सीरियसली बहुत ही क्लस्टर हो चुका है। तो अभी हम इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसा दिखता है। अच्छा ही दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी देखेंगे। सो गाइज, सबसे पहले हम कबर्ड का सब सामान निकाल के बाहर रखेंगे और पूरा खाली कर देंगे। फिर उसके बाद हम अच्छे से वो ऑर्गेनाइज करके, मीन्स अच्छे से घड़ी वगैरह करके फिर उसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सब खाली, फिर आपसे मिलते हैं। गाइज, अभी मैंने सब का सब, मतलब जो भी कबर्ड में था सब निकाल लिया। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, फिर भी मुझे पहनने के लिए एक भी नहीं मिलता, सीरियसली एक भी नहीं मिलता। तो रुको। तो गाइज देखिए, मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े, इतने ज़्यादा। सो गाइज, अभी मैंने मेरे सारे कपड़े फोल्ड कर दिए। तो अभी हम ऑर्गेनाइज करेंगे हमारा कबर्ड। तो पहले कबर्ड साफ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइज, मैंने मेरी अलमारी पूरी सेट कर दी और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे दिख रही है। सो गाइज, सेट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो उधर मैंने सब मेरे टॉप्स रख दिए, फिर उधर जीन्स है और इधर कुर्तीज़ वगैरह है, और उधर कुर्ती सेट है और ये कैप्स वगैरह है, और इधर दो पर्स लटका दिया और बेल्ट रख दिया है। Yes, that's it for today. Do like, share and subscribe and don't forget to comment. Bye bye.